पेज कह रहे हैं व्हाट इफ यू डू इफ यू नो यू आर गोना डाई आफ्टर 7 डेज, कि मतलब आप क्या करोगे अगर आपको पता लगे कि आप 7 दिन में ऐसे खलास वाली बात हो रही है, मतलब मरने वाले हो तो. तो यार मैंने एक फ्रेंड को भी बोला हुआ है और अपनी सिस्टर को भी मैं बोल रही थी कि मतलब ऐसा कुछ हो तो जो भी आप लोगों का एक प्यार रहा है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं और कुछ चीज़ें हैं तो जो भी है मेरे बाद या जो भी चीज़ें हैं और रियलिस्टिक या जो भी अमाउंट या जो भी चीज़ें हो मेरे नाम पे जो भी मिले या जैसे भी हो चीज़ें या हैं मेरे पास जो भी है तो उसको गांव में, मतलब मुझे बुलंदशहर से थोड़ा सा प्यार है तो वहां पे गांव में उसको इन्वेस्ट किया जाए एक स्कूल खोलने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट पे कुछ कुछ काम कर दिया जाए, है ना, इस तरीके की चीज़ें हो जाएँ उससे. बाकी तो कौन से, मतलब सिस्टर हैं वो एस्टेब्लिश्ड हैं, मम्मी पापा भाई छोटा है अभी, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि मतलब उनको कोई बहुत ज़्यादा उस चीज़ से मदद होने वाली है. तो इट्स बेटर कि उसको उस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए जो भी फंड्स हो मेरे पास, मतलब अभी ये मैं अभी का मेरी सोच है और मैं क्योंकि प्लान करती रहती हूँ, हम लोग डेथ को प्लान नहीं करते. और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ 7 दिन में, अगर आपको पता हो कि 7 दिन में ये होने वाला है, कि कोशिश करूँगी जो भी अपने थाट्स हैं जो मैं करना चाहती थी वो पहले शेयर कर दूँगी यूट्यूब पर और खुश रहने की कोशिश करूँगी, थोड़ा घूमने की कोशिश करूँगी, है ना, आप लोगों से बातें करने की कोशिश करूँगी, जो भी मन में बहुत सारी चीज़ें हैं उन पे खुल के चर्चा कर पाऊँगी, यही सब होगा. बाकी तो क्या ही, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड होगा, कुछ दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड होगा, बाकी ऐसा सच कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मतलब जब मरना होता है इंसान मर जाता है तो ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है. और शुभम तिवारी कह रहे हैं एस्पिरेंट्स